सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस चैनल पर हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार आपको केमिस्ट्री की एक क्वेश्चन है जो बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में भी आता है और बहुत सारी जगहों पर ये पूछा जाता है कि अगर आपने देखा होगा कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल ये क्वेश्चन है कि फिनॉल जब ब्रोमीन से एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करता है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिनॉल यहाँ पर लिख देता हूँ, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद एक्वस, यहाँ पर एक्वस अगर मैंने ले लिया, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन वाटर Br2 टू गिव, क्या देता है, टू गिव 2.4.6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल देता है, ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाता है, ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाता है। और जो है अगर वो कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ले लो या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो टू गिव यहाँ पर आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल, आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाता, ऐसा आखिरकार है क्यों। बात क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इसका आंसर भी होना चाहिए, ये मेरा मानना है कि आंसर ऐसा होना चाहिए जो आपको सेटिस्फाइड कर पाए। तो आज इस पूरी वीडियो में हमारा आपसे ये अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ये कंपटीशन के उस लेवल तक ले जाएगा जहां आप जाना चाह रहे हैं। और आपका उद्देश्य अगर केमिस्ट्री पढ़ना है और आपका उद्देश्य अगर केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ बनाना है तो फिर हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे केमिस्ट्री में पकड़ बनाई जाती है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आप जानते हो। पहले मैं रिएक्शन बताता हूँ कि आखिरकार रिएक्शन क्या चल रही होगी। देखिए, ये आपने फिनॉल ले लिया, मैंने यहाँ पर ये फिनॉल लिखा और इस फिनॉल में आपने नोट किया कि इस फिनॉल की अगर रिएक्शन यहाँ पर आप 3Br2 से कराते हैं और 3Br2 जब एक्वस होगा, यानी कि यहाँ पर मैं एक्वस लिख देता हूँ या कभी कभी यहाँ पर वाटर भी लिख दिया जाता है, तो फिर आपके सामने जो प्रोडक्ट मिलता है भैया वो एक मिलता है, यहाँ पर OH लग जाता है, यहाँ पर भी Br लग जाता है, यहाँ पर भी Br लग जाता है और यहाँ पर भी Br लग जा रहा है, तो इसको बोलते हैं 2.4.6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल नाम दिया जाता है, ट्राई ब्रोमो फिनॉल। लेकिन यही काम अगर आप लोग जो हैं वो फिनॉल की रिएक्शन अगर एक्वस कंडीशन में करा दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जा रहा है वो भी नोट करने वाली बात है। ये आपने फिनॉल लिया और इस फिनॉल की रिएक्शन आपने करा दी Br2 से, ब्रोमीन वाटर से कराई, लेकिन अब की मीडियम आपने कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो भैया ये बनता है, यहाँ पर OH ले लीजिए, यहाँ पर Br ले लीजिए और साथ में यहाँ पर भी OH और Br चलेगा, ये दोनों कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएंगी, यहाँ पर OH और यहाँ पर Br, आर्थो ब्रोमो फिनॉल, इसको बोलते हो आप आर्थो ब्रोमो फिनॉल नाम देते हो और साथ ही साथ इसको आप पैरा ब्रोमोफिनॉल नाम दे। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, क्वेश्चन ये है, तो मैं आंसर आपको बहुत सटीक देने वाला हूँ और आपको आंसर अच्छा लगेगा। देखिए, फिनॉल को अगर हम आयनाइज करते हैं, C6H5OH जब आयनाइज होता है फिनॉल, और अगर ये एक्वस में आयनाइज किया जाए तो फिर ये आयनाइज हो जाता है C6H5O- में और साथ ही साथ बनता है एच पॉजिटिव आयन, मीन्स नेगेटिव चार्ज जो होता है जब हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो एक्वस में ये मोर आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मोर आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस इन फिनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड फिनॉक्साइड आयन यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑल द पोजीशंस एट ऑल आर्थो एंड
पैरा पोजीशन, जितनी भी आर्थो पैरा पोजीशन है, आर्थो पैरा पोजीशंस, तो उन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है। इसलिए ये बीआर जो होता है वो सब जगह जुड़ जाता है इस बात का, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर आप नोट कर पा रहे हो, ध्यान दे पा रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पर फिनोक्साइड आयन लिया और ये जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये हर जगह, देखिए आर्थो पैरा पोजीशन जितनी भी हैं, 2, 4, 6 पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर मैं सभी आर्थों का मतलब 2, 4, 6 पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, आप नोट कर पा रहे होंगे। अगर ये यहाँ जाता है तो नेगेटिव फिर आपका यहाँ पर भी आता है, तो ये ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखिए सभी पोजीशन पर आपको ज़्यादा दिखाई देगी। इसके बाद वाला भी स्ट्रक्चर अगर आप नोट करना चाहो तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, इस वाले स्ट्रक्चर में भी आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी हुई दिखाई देगी। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको बढ़ी हुई दिखाई दे। तो आर्थो पैरा जितनी भी पोजीशन, यानी कि 2 पोजीशन, ये 2 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, तो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पोलैरिटी होती है, एक्वस सॉल्यूशन में पोलैरिटी होती है, यानी एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन में आपको पोलर करेक्टर मिलेगा, पोलर नेचर बढ़ जाएगा, और पोलर नेचर से जो लार्ज नंबर, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ ठीक है फिनोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। सिंपल सी बात मैं ये बोलूँ, यानी पोलर नेचर हो जाता है, इतना आप सफिशियंट समझ जाएंगे। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो अधिकतर 2, 4, 6 पर ज़्यादा देर रहेगा, जबकि अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दें तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, और जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट इसको आयनाइज कर देंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट इसको आयनाइज करने में मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, फिनोक्साइड आयन इज़ लेस आयनाइजेबल, यानी कि फिनोक्साइड आयन जो है वो लेस आयोनाइजेबल होगा, और लेस आयोनाइजेबल होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो पैरा पर ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। सो इट डज़ नॉट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, ये बढ़ा नहीं पाएगा। सो इट एक्वायर्स पोजीशन एट आर्थो एंड पैरा ओनली, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर तैयार करना चाहिए बच्चों। तो फिर इसको प्रिपरेशन को बेस्ट कर लीजिए, सभी कॉम्पिटिशन में ये पूछा जाता है और जितनी भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया आपका फिनॉल और ये भी हो गया फिनॉल, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग है। यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है और यहाँ पर आपका H2O या एक्वस सॉल्यूशन कंडीशन मानी जाती है। तो ऐसी और भी क्वेश्चंस की जानकारी चाहिए तो फिर आप हमें भेज सकते हैं क्वेश्चन इस पर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।